खुशामदीद असम गाजी की तरफ से। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी फॉर दिस वीडियो। तो आज हम बात करेंगे कि COVID-19 के क्या इफेक्ट्स हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के ऊपर और कैसे हम एज एजुकेटर्स, एज ट्रेनर्स और एज स्टूडेंट्स हम कैसे इसके ऊपर काबू पा सकते हैं, कौन से मेजर हम इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन से आसान तरीके, मुफ्त तरीके जो हम इस्तेमाल करके हम जो है एजुकेशन को जारी रख सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि थर्ड वेव चल रही है और यूरोप में पहले स्टार्ट हुई और अभी पाकिस्तान में थर्ड वेव पहुंच चुकी है और थर्ड वेव वो कह रहे हैं कि ज़्यादा इस बिलीव टू बी स्ट्रॉन्गर ना, ज़्यादा जो है वो उसका ज़्यादा असर होगा। तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए। ऑफकोर्स हम चाह रहे हैं कि COVID-19 से जल्दी हम बाहर आ जाएँ। पाकिस्तान का जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है वो सफ़र कर रहा है क्योंकि गवर्नमेंट ने लॉकडाउन एक्सटेंड कर दिया। तो बहुत आसान कुछ तरीके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं जिसका हम आपसे इस वीडियो में बात करेंगे, जिसके ज़रिए आप जो है फर्दर अपनी एजुकेशन जो है वो आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। एज एजुकेटर्स और एज ट्रेनर्स आप लोगों को ट्रेन कर सकते हैं और बहुत आसान और सहल तरीके हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, देखें COVID-19 जो है एक ग्लोबल क्राइसिस है। जब एक ग्लोबल क्राइसिस है तो आपको उस हिसाब से सोच के इसके ऊपर काबू पाने के लिए आपके पास टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर सकते हैं आप, और सोशल डिस्टेंसिंग को आप यूज़ ना करें और जो प्रिकॉशंस जो हैं जो आपने इस्तेमाल करने हैं वो आप इस्तेमाल करें ताकि अपनी और अपनी फैमिली को आप प्रोटेक्ट कर सकें। क्राइसिस जो है ये क्राइसिस थोड़ा डिफरेंट है बाकी क्राइसिस के मुकाबले में। जैसे जलजला है या फ्लड्स हैं और क्राइसिस आते हैं वो शॉर्ट टाइम के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं। लेकिन जैसे देखा कि आपने कि COVID-19 पहले एक वेव आई, फिर दूसरी वेव आई, फिर तीसरी वेव आई और एक जो वेव है वो तकरीबन 2-3 महीने जारी रहती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रप्शन होगी हमारे एजुकेशन सेक्टर में और स्टूडेंट्स के ग्रेड सफ़र किए हैं, कुछ एक्सपेक्टेड लगे, कुछ लोग स्टूडेंट्स जो है तैयारी नहीं कर सके, तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कंपाउंड होगी एजुकेटर्स के लिए। एजुकेटर्स जो हैं वो उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, समझ नहीं थी वीडियोज़ बनाने की, उन तक पहुँचाने की। ऑनलाइन एजुकेशन में हम काफ़ी पीछे हैं। तो इस वीडियो में हम आपको कुछ टिप्स बताएंगे कि कैसे आप ऑनलाइन एजुकेशन जारी रख सकते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए, कैसे आप वीडियोस बना सकते हैं, उनको भेज सकते हैं और आगे ताकि वो इस्तेफादा करें और ताकि विन विन सिचुएशन क्रिएट हो स्टूडेंट्स के लिए भी और इंस्ट्रक्टर्स के लिए भी। जो प्रॉब्लम, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है जो फेस कर रहे हैं वो ये है कि फेस टू फेस इंटरेक्शन ख़त्म हो गया। फेस टू फेस जैसे पहले हम लोग ट्रेनिंग करवाते थे तो फेस टू फेस ट्रेनिंग हमारे लिए बहुत आसान थी, लेकिन जब से COVID-19 आया है तो लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। तो अभी ऑनलाइन प्रोग्राम्स का दौर जो है वो चल पड़ा है। जैसे कि आपने देखा कि माइक्रोसॉफ्ट टीम और जूम जो है वो दो प्लेटफॉर्म्स बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं वर्ल्ड ओवर, वो पाकिस्तान में भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको शॉर्ट इंट्रोडक्शन देंगे इस इन चीज़ के बारे में, कैसे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, आसान कर सकते हैं इस सारी चीज़ को। अच्छा, दूसरी यह कि टेक्नोलॉजी के बारे में लोगों का नो हाउ नहीं है ना, तो वो हम आपको थोड़ा नोहाव देंगे इस वीडियो में। और इसके अलावा इक्विपमेंट जो है आपको क्या चाहिए, एक्सपेंसिव नहीं है, बहुत सस्ता है और कुछ इक्विपमेंट आपके पास ऑलरेडी होगा, स्पेशल इक्विपमेंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, और वो इक्विपमेंट इस्तेमाल करके आप अपना एजुकेशन जो है अपने स्टूडेंट्स तक पहुँचा सकते हैं और एजुकेटर्स जो है वो अपने लेसन को रिकॉर्ड कर सकते हैं और आगे भेज सकते हैं। तो अभी COVID-19 में बेसिकली जो है ऑनलाइन चैलेंजेस, सबसे बड़ा ऑनलाइन चैलेंजेस जो है वो सबसे बड़ा मसला यही है कि ऑनलाइन आप एजुकेशन कैसे दे सकते हैं लोगों को और कैसे इसको पहुंचा सकते हैं। तो थोड़ा सा लर्निंग कर्व है इसमें, थोड़ा सा सीखने के लिए कुछ टाइम लगता है, लेकिन आप जब वंस यू गेट यूज्ड टू इट, आप उसके आदी हो जाएं तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एजुकेशन अपनी जारी भी रख सकते हैं और एज टीचर्स आप अपनी कॉन्टेंट शेयर भी कर सकते हैं उसको, और आसान भी है, ठीक है, ताकि एक बार आप रिकॉर्ड करें और दोबारा रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। आपने एक बार लेसन रिकॉर्ड कर दिया तो आप उसी को टेलर कर सकते हैं या वो आप लिंक या शेयर कर सकते हैं। तो कुछ आइडियाज भी हम आपको देंगे इस क्राइसिस को मैनेज करने के लिए, क्योंकि क्राइसिस टाइम है, वर्ल्ड ओवर चल रहा है और पाकिस्तान में भी ये क्राइसिस टाइम चल रहा है सब। अच्छा, उसके बाद जो चेंजेस हैं, बहुत सारे स्कूल जो हैं वो बंद हो गए हैं और उन्होंने टीचर्स को कहा है कि आप जो है ऑनलाइन कॉन्टेंट क्रिएट करें। तो टीचर्स को फिर ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत भी थी, कुछ लोगों ने सीखा, लेकिन काफ़ी सारे लोग जो हैं वो अभी सीखना चाह रहे हैं बिकॉज उनको समझ आ गया है कि ये वेव्स में एक वेव आई, दूसरी वेव आई, तीसरी वेव आई, तो अभी ये COVID-19 जो है हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। सो वी हैव टू फाइंड वेज, हमें कोई ऐसे तरीके निकालने हैं ताकि हम जो है लोगों तक हमारी एजुकेशन सफ़र ना करे
और हमारे ग्रेड सफर ना करें, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो सफर ना करें। तो जो बेस्ट ऑप्शन है वो ऑनलाइन एजुकेशन का है। ऑनलाइन एजुकेशन में आपको एक कंप्यूटर लैपटॉप भी हो सकता है और एक मोबाइल फोन, बेसिकली अच्छे मोबाइल फोन जो हैं आजकल बड़े इक्विप्ड हैं, ये अगर आपके पास इनमें से कोई इक्विपमेंट है तो आप यूज़ कर सकते हैं और आप जो है इस्तेफादा कर सकते हैं ऑनलाइन एजुकेशन से। तो एक टूल है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, आई एम श्योर पावर पॉइंट से सब लोग वाकिफ होंगे, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। उसमें जाके आप अपने जो वीडियोज हैं वो रिकॉर्ड कर सकते हैं, राइट। वो उसके लिए हम सेपरेट वीडियो बना रहे हैं, वो आप देखिएगा कि कैसे आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जाके अपनी प्रेजेंटेशन आप बना सकते हैं, उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं और आपको फेस दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप फेस नहीं दिखाना चाहते देयर इज नो नीड, और कोई कैमरे की जरूरत भी नहीं है आपको, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो आप सिंपली वीडियोस वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, पहले पावर पॉइंट बनाएं, फिर आप वीडियोस क्रिएट करेंगे, ठीक है जी, और वो वीडियोस आप फिर यूट्यूब पे आप पोस्ट कर सकते हैं और चैनल का लिंक आप लोगों को भेज दें, वीडियो का लिंक भेज दें और वो सारे लेसन से इस्तेफादा कर सकते हैं। बहुत आसान और ईजी तरीका है ये जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। अच्छा, उसके बाद दो प्लेटफॉर्म का मैंने जिक्र किया पहले, एक है जूम जो कि बड़ा इफेक्टिव है, हम खुद इस्तेमाल करते हैं इसके लिए, और दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। तो पहले जूम की बात करते हैं। जूम जो है वो एक एक्सीलेंट प्लेटफॉर्म है और ये फ्री है, इसका जो वर्जन है फ्री वर्जन हम यूज़ कर रहे हैं, हमने पेड वर्जन भी इस्तेमाल किया, ठीक है। तो पेड वर्जन में अगर आप एक्स्ट्रा फीचर्स चाह रहे हैं तो आप पेड वर्जन इस्तेमाल करें, वरना फ्री वर्जन जो है वो आपके लिए काफ़ी है एज नॉर्मल एजुकेटर्स, एज टीचर्स और यू नो एज स्टूडेंट्स भी आप कम्युनिकेट कर सकते हैं जूम के जरिए। तो इसके लिए आप सिर्फ साइन अप करें zoom.us पे चले जाके, उसके लिए सेपरेट वीडियो हम क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो है ना जूम इज़ अ एक्सीलेंट प्लेटफॉर्म फॉर दिस। दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स भी अगेन आप उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट आपके पास हो तो आप माइक्रोसॉफ्ट टीम जो है अपना वहाँ पर जाकर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और आप लिंक शेयर कर सकते हैं और कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ ईजिली, और अपनी जो लेक्चर है आप डिलीवर कर सकते हैं उसके ऊपर, और स्टूडेंट्स आपको वो सारी आवाज़ सुन सकते हैं और आपको व्हाइट बोर्ड देख सकते हैं। तो ये दोनों सॉफ्टवेयर में ये ऑप्शन मौजूद हैं व्हाइट बोर्ड के और स्क्रीन शेयरिंग वगैरह के, जो कि बहुत इफेक्टिव हैं पढ़ाई करने के लिए। तो जो तीसरी चीज़ है वो जो बहुत इफेक्टिव है वो यूट्यूब चैनल है। यूट्यूब चैनल फ्री है क्रिएट करना, आप आराम से यूट्यूब चैनल पर क्रिएट कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक ईमेल अकाउंट चाहिए, गूगल अकाउंट प्रेफरेबल है वो आपके पास हो, तो आप अपना जो है ना यूट्यूब चैनल क्रिएट कर सकते हैं। तो आप यूट्यूब चैनल आप जब क्रिएट कर लेते हैं तो जो वीडियोज़ आपने रिकॉर्ड किए हैं उस पर आप अपलोड कर सकते हैं और उनके लिंक्स आप अपने स्टूडेंट से शेयर कर सकते हैं। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो है वो इसके बाद आएगी, तो आप उसको देखिएगा, और बहुत आसान तरीका है जिसके ज़रिए आप यूट्यूब चैनल क्रिएट करके अपना जो कॉन्टेंट है वो लोगों से शेयर कर सकते हैं। अच्छा, ऑप्शंस जो स्टूडेंट्स के लिए हैं, स्टूडेंट्स बेसिकली उनको एक सेपरेट जगह चाहिए, ऑफ कोर्स उनको कोई लैपटॉप चाहिए या उनको आप कंप्यूटर उनको चाहिए या मोबाइल फ़ोन पे भी काम चल सकता है। अच्छा, मोबाइल फ़ोन पे भी स्टूडेंट्स जो हैं अपने लेक्चर अटेंड कर सकते हैं। तो ये कोर्स के अलावा एक स्पेसिफिक स्पेस अगर घर में आप एक जगह मुकर्रर कर लें जहाँ पर स्टूडेंट के पास टेबल कुर्सी हो, जहाँ पर बैठ के आसानी से वो लेक्चर सुन सके, रिकॉर्ड कर सके और नोटबुक के ऊपर यू नो वो नोट कर सके। तो ये एक आसान तरीके थे बेसिकली इस्तेमाल करने के लिए COVID-19 को काबू पाने के लिए। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। इस सीरीज के कुछ और वीडियोज भी आने वाले हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई होप आपने एंजॉय किया होगा इस वीडियो को। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।